समाजवादी पार्टी ने एक कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, और कंप्लेंट क्या की है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि सरकार युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन जो दे रही है नहीं देना चाहिए। हमने तय किया है अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद आने दीजिए सरकार, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, 2 करोड़। और स्मार्टफोन और टैबलेट का खर्चा, यानी जो लोग उसका उपयोग करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, उस खर्चे को ले, उस प्रकार का खर्चा भी मां बाप के ऊपर नहीं आने देंगे, या खर्चा भी सरकार उठाएगी। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी को इसी पे आपत्ति है, वह नहीं चाहती है कि प्रदेश का विकास हो। हमारी सरकार के समय तो सब नर करही परस्पर प्रीति, चलय स्वधर्म निरत सुत नीति, राम राज्य की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है।